हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका परिष्कार ऑनलाइन क्लासेस में। और क्लास 10th इंग्लिश की हम आज सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश के अंदर जो पोइम सेक्शन है उसको कवर करेंगे। तो पोइम सेक्शन में हमारी जो फर्स्ट पोइम है उसका नेम है रिस्क्स। और इस पोइम को कंपोज किया है बहुत ही फेमस राइटर हैं जेनेथ रैंद। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोइम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू, ये जो पोइम है ये एक मोटिवेशनल और यू कैन से इंस्पायरिंग पोइम है जो आपको लाइफ के अंदर कुछ करने के लिए, लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत बड़ा करने के लिए आपको तैयार करती है, आपको गाइड करती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोइम। इस पोइम में टोटल 5 स्टैंजास हैं, तो हम फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। इट मीन्स इफ यू लाफ, अच्छी बात है लाफ करना, है ना, बट इसमें भी रिस्क है। क्या? अपीयरिंग द फूल, अपीयरिंग मीन्स लगना, आप क्या लग सकते हो? फूल, फूल समझते हो ना, मीन्स स्टूपिड। तो अगर आप लाफ करते हो उसमें भी रिस्क है, क्या? फूल लगने का। नेक्स्ट, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। तो फिर क्या करें, लाफ कर नहीं सकते, फूल लगेंगे तो फिर रोले, वीप कर लेना। वीप करने में भी रिस्क है, क्या? आप सेंटिमेंटल लग सकते हो। सेंटिमेंटल मीन्स जो ओवर इमोशनल होते हैं, जिसको बोलते हैं ना ड्रामा क्वीन, है ना। तो आप सेंटिमेंटल लग सकते हो अगर आप सोचो कि लाफ छोड़ के वीप कर लें, तो उसमें भी रिस्क है। किस चीज़ का? कि आप सेंटिमेंटल लग सकते हो। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इट मीन्स अगर आप रीच आउट फॉर अनदर मीन्स किसी की हेल्प के लिए जाना, तो अगर आप किसी की हेल्प करने जाओगे तो उसमें भी रिस्क है। किस चीज़ का? इन्वॉल्वमेंट का। इन्वॉल्वमेंट का मीन्स आप उसमें उसके वर्क में के अंदर ऐड हो जाओगे। द पोइट ट्राइज टू से दैट अगर आप किसी की हेल्प के लिए जाते हो ना, तो हो सकता है देखने वाले को ये लगे कि उसकी हेल्प करने में भी आपका ही कुछ फ़ायदा है, या आप अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट उससे पूरा कर रहे हो। तो इसका मतलब किसी की हेल्प करने में भी रिस्क है कि लोग हमें गलत समझ सकते हैं, या उसको लग सकता है कि इसका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है मेरी हेल्प करने में, है ना। नेक्स्ट, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। इट मीन्स अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करते हो, एक्सपोज का मीनिंग जाहिर करना, बताना, तो अगर आप अपनी फीलिंग को किसी को बताओगे उसमें भी रिस्क है। किस चीज़ का? एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। इट मीन्स आपका जो ट्रू सेल्फ है, जो आपका रियल है, वो बाहर निकल के आ जाएगा। मीन्स जो आपके सच में दिल में चल रहा है ना, वो सामने वाले को पता लग जाएगा। आजकल का मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, है ना, इसके अंदर लोग आपके ट्रू सेल्फ को आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड स्टैंजा। सो नेक्स्ट स्टैंजा इज टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। देखो, अगर आप अपने आइडियाज और ड्रीम्स को क्राउड के सामने रखते हो, लोगों के सामने रखते हो, तो उसमें भी रिस्क है। अब अगर आप लोगों को बताओगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका विज़न क्या है, आपके ड्रीम्स क्या हैं, और ये बात जाके आप भीड़ में बोल दोगे, तो लोग आपको क्या समझेंगे? नेव। नेव मीन्स जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जो अनट्रेंड पर्सन है, मीन्स कि आपको नॉलेज ही नहीं है कि आप अपनी जो लाइफ के बारे में ड्रीम्स हैं वो आप ऐसे खुले में सबको बोल रहे हो, तो उसका भी आपको रिस्क है कि वो चीज़ आपके अगेंस्ट जा सकती है। नेक्स्ट, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। तो अगर आप किसी को लव करते हो उसमें भी रिस्क है, क्या? कि आपको रिटर्न में लव नहीं मिले, है ना। नेक्स्ट, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। तो बिल्कुल बेसिक थिंग, अगर हम इस धरती पे जी रहे हैं, है ना, अपनी लाइफ में हम चल रहे हैं, तो उसमें भी रिस्क है कि कभी ना कभी एक दिन आएगा जब हम क्या हो जाएंगे, डाई, हम मर जाएंगे। तो जिंदा रहने में भी रिस्क है। किस चीज़ का? मरने का। इट मीन्स जितनी भी चीज़ें हैं ना इस धरती पे या इस वर्ल्ड के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर रिस्क इन्वॉल्व्ड है। तो क्या हम रिस्क लें या नहीं लें, इसी चीज़ को ये पोइम डिस्कस करती। सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड स्टैंजा। टू होप
इज टू रिस्क डिस्पेयर. होप मीन्स पता ही आप सभी को, अगर हम होप करते हैं उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है. क्या डिस्पेयर का, डिस्पेयर मीन्स सैड होना, निराश होना. तो अगर हम उम्मीद करें और वो पूरी नहीं हो तो हम क्या हो जाएंगे, डिस्पेयर्ड. टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर. अगर हम ट्राई करें किसी चीज़ को तो उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है. क्या कि हम उसमें फेल हो सकते हैं. बट रिस्क मस्ट बी टेकन, बट रिस्क मस्ट बी टेकन. सभी चीज़ों में रिस्क है बट फिर भी रिस्क मस्ट बी टेकन, लिया जाना चाहिए रिस्क को. क्यों? बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग. मीन्स ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, हैजर्ड मीन्स जोखिम या खतरा, डेंजर. तो लाइफ में सबसे बड़ा हैजर्ड या डेंजर क्या है? रिस्क नथिंग, रिस्क नहीं लेना. रिस्क नहीं लेना ही जीवन में सबसे बड़ा खतरा है. क्यों? क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम कुछ भी लर्न नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, लव नहीं कर सकते और लीव नहीं कर सकते. हर चीज़ में रिस्क इन्वॉल्व है. अगर ये चीज़ें हमें करनी है तो रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा. इसीलिए क्या बोल रहे हैं वो, रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टैंजा. द पर्सन हु रिस्क नथिंग, कोई अगर पर्सन रिस्क नहीं लेता, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. तो अगर कोई पर्सन लाइफ में रिस्क नहीं लेता तो वो कुछ नहीं करता, does nothing, उसके पास कुछ नहीं होता, has nothing, और वो खुद भी कुछ नहीं होता, is nothing and becomes nothing, और वो कुछ बनता भी नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ भी इम्पॉर्टेंट या यूजफुल लाइफ में वो नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उसने रिस्क ही नहीं लिया. दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो. अब ये जो दे है ये किसको रेफर कर रहा है? ये उन्हीं पर्सन को रेफर कर रहा है जो रिस्क लाइफ में नहीं लेते. जो पर्सन लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे वो क्या करेंगे? दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो. सफरिंग मीन्स तकलीफें, सोरो मीन्स दुख. तो वो अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं. किन चीज़ों से? जो दुख तकलीफें हैं उनसे बच सकते हैं एक टाइम के लिए, जो रिस्क नहीं लेते. बट दे cannot लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव. बट वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते. जो रिस्क नहीं लेंगे वो एक बार के लिए दुख और तकलीफ़ों से बच जाएंगे बट वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, वो कुछ फील नहीं कर पाएंगे, वो कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे और उनमें ग्रोथ भी नहीं होगी. उनकी जो प्रगति है, उनका उनकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगी. वो लव करना नहीं सीख पाएंगे और वो एक तरह से लाइफ को जीना भी नहीं सीख पाएंगे. लाइफ में कैसे जीते हैं, क्या लाइफ में बड़ा करने के लिए हमें करना चाहिए, ये सब चीज़ें वो नहीं समझ पाएंगे. और सबसे बड़ा जो डेंजर है लाइफ में वो क्या है? रिस्क नहीं लेना. लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ एंड द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स. चेंड मीन्स बंधे होना. जो रिस्क नहीं लेते हैं ना वो बंधे होते हैं. किस चीज़ से? सर्टिट्यूड. सर्टिट्यूड मीन्स फिक्स थिंग्स, जो निश्चित चीज़ें हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड चीज़ें हैं. तो जो रिस्क नहीं लेते ना वो एक फिक्स्ड या एक बंधी हुई लाइफ जीते हैं. दे आर स्लेव्स. तो पोइट उनको क्या बोल रहा है कि वो स्लेव्स हैं. जो रिस्क नहीं लेते वो स्लेव्स हैं. स्लेव्स मीन्स आपको पता ही है, दास, या एक तरह से वो स्लेव्स हैं. दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम. फॉरफिट मीन्स लॉस करना, गवा देना, खो देना. तो जो रिस्क नहीं लेते, जो सर्टिट्यूड से चेंड है, मीन्स जो फिक्स चीज़ें हैं उनसे बंधे हुए हैं, वो स्लेव्स हैं. और उन्होंने अपनी जो फ्रीडम है उसको क्या किया है? गवा दिया है. अपनी आज़ादी को खो दिया है. किन्होंने? जिन्होंने लाइफ में रिस्क नहीं लिया वो आज़ाद नहीं है, वो स्लेव्स हैं. Only a person who risk is truly free. तो only वो person जो risk life में लेता है सच में, सही मायनों में वही free है, वही अच्छी life को enjoy करता है, वही जीवन में कुछ बड़ा करता है और वही कुछ
लोगों ने जो पहले नहीं किया ऐसा कुछ करके दिखाता है। कौन जो लाइफ में रिस्क लेता है, और जो रिस्क नहीं लेते वो लाइफ में कुछ नहीं करते, वो लर्न भी नहीं कर सकते, वो ग्रो भी नहीं करते, लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं करते। सो यही थी हमारी पॉइंट।